यहाँ एमएलए आए कहते हैं वो बड़े बड़े मिनिस्टर उनके घर हम तो आपको चले गए पूछ लो, हमने आपको क्या करके पूछे सुशन यहाँ को नहीं पूछे, उधर आप उधर से चल गए, कोई भी इधर आपको पूछे नहीं। नहीं बहुत सा एमएलए भी आए नहीं आए हम कभी इधर आज इधर चले गए। मेन यहाँ आता सपानी पूरा पूरा ईद के मतलब मदीने मोहल्ला ये पूरा आपको जाकर ये बच्चे को हड्डी एमएलए करने जाए थे हमने बच्चे को हड्डी अटक गई थी रेशमा पास भेजे थे सर जाको 10 बार फिर उसका ने एक दो तीन मारम फिर वट में फिर को भी वो बच्ची को हड्डी ये करे नहीं क्या भी पैसे देते हूँ क्या की इलाज करते हूँ पको बोल को क्या भी करे नहीं होना ये मोरे कर को देना हमने क्या भी नको उनका पैसा भी नको ये भी नको हमने। इंशन टेंस आप सबका फिर से स्वागत है, मैं इब्राहिम आपके साथ। लगातार 6 दिन से जो है रामनगर के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सब ने देखा था किस तरह से रामनगर में पानी की वजह से लोग तकलीफ सह रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे स्मार्ट सिटी। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु जिसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है, जिसके चर्चे लगातार चलते रहते हैं, बेंगलुरु इज अ ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी, उसी ग्रीन सिटी की हकीकत सच्चाई आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर लोग परेशान हैं। आप देख सकते हैं बारिश की वजह से ये जो चरंडी है पूरी भर चुकी है और इसकी गंदगी निकालकर जो है बाहर रखा गया है। बड़ी अफसोस की बात है, यहाँ पर आजू बाजू में पूरे घर हैं जहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है खेल रहे हैं। मासूम बच्चे, अगर एक बच्चा भी बाई मिस्टेक भी इसके अंदर गया तो समझो बचा गया जान से। इतनी इंसानियत नहीं है कि इसको इमीडिएटली क्लीन कराकर जो है इसको पार्सल यहां से निकाल दें। इसको छोड़ा गया है, अब ये पता नहीं 15 दिन रहेगा या 20 दिन रहेगा, इसी तरह से रहेगा क्योंकि इसमें से बदबू नहीं आती है, इसमें से बीमारियां नहीं फैलती है। ये तो अच्छा, बहुत अच्छी तरह से रखा गया, इसको सजाया गया है यहाँ पे। और जो यहाँ पे लोग हैं वो इंसान नहीं है, इस वजह से जो है यहाँ पर रखा गया है। और अफवाहें फैलाई गई है कि एमएलए आर अखंडा श्रीनिवास मूर्ति ने बारिश में जाकर जो है लोगों के घरों में 10-10 हजार रुपए दिए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि एमएलए यहां पर पहुंचे, एमएलए ने छानबीन की। अब हम आपको दिखाएंगे कि एमएलए कौन सी गली में आए थे। तो हम पहुंचे हैं डीजी हल्ली में, एक ऐसी गली में। ये जो गली है ये पूरी गली बारिश की वजह से जो है डूब चुकी थी, पूरी गली। हम आपको विशेष दिखाते हैं, आप देखिए इस तस्वीरों में किस तरह से इन घरों में जो है पानी आ गया था, यहां तक जो है इस गली में पानी आया था, पूरी गली जो है भीगी हुई थी। अब ये पानी आया, बारिश आया, इस वजह से जो है डूब गया, यही बहाना बनाएंगे। सरकार भी यही कहेगी, यहाँ के एमएलए भी यही कहेंगे, यहाँ के लीडर भी यही करेंगे, लेकिन इसका सलूशन क्या है वो सोचने वाली बात है। बहरहाल जो लोगों को तकलीफ हुई है, यहाँ की पूरी गली से हम आपको बात करके दिखाएंगे कि इनके घर में कहाँ तक पानी आया। तो अच्छा कर को देती कर को बोले चले गया उन्होंने, क्या भी तो दिए नहीं ना, फिर बारिश आ फिर फोड़ा लग गया तभी जाना। सलाम अलैकुम, धरा में पानी हम भर जा को पूरा भी भीग वाले के कपड़े सभी भीग को, पूरे राशन भीग को, चावल के मोटे सभी भीग को, हमारे घर में खाने पूरे चीजा सब उठा को भिगका है। बहुत ही पॉजिटिव होगा, एमएलए साहब आए देखे सभी ये करे देख लो चले गए, हमें पैसे घिसे क्या भी लिए नहीं, अल्लाह देने वाला हमें खाने वाले। मुहरिया में कचरा लग गया, कचरा पाक करें दे हम ना पानी जाने की सहूलत बना दे। ऐसा रहे तो वो नाले पाक करते नहीं, नाले पाक करती पूरा ऊपर जल को छोड़ती फिर बारिश आती है पूरा पाक कर तो हमें भी लगे जाते। मुझे ये बताइए यहाँ पर आपके एमएलए या आपकी जो गवर्नमेंट, एमएलए भी आती, काउंसलर भी आती, आए तो भी खाली देख लेती, सीधा जाते रहती। परसों श्रीनिवास मूर्ति पुलिस के साथ थे, बोलते रहते कर्बला खाथालाल को सीधा चले गए निकल, क्या भी नहीं, एक रुपया भी नहीं। आपको 3 बार घर में घुस आए पानी, 3 बार से भी 1 रुपए की भी हेल्प भी नहीं है, 1 रुपए का क्या भी मदद भी कर को नहीं, तू हमारा मदद नहीं करे तो जान दे। मोरिया मन को पानी आए नहीं आए सका, बंद कर को दिए तो हमारे और गरीब को ऊपर भूत स्वाब आता है। देखो ऐसे माजूर आदमी हमको रख ले को घर के अंदर रही, कैसा बोलो रहना सो, ये पानी पूरा कट्टा घर को अंदर आया है पानी पूरा, हाथ नहीं पाऊ नहीं का जबान नहीं आदमी को, वैसे आदमी को रख ले को नन्हे बच्चा को रख ले को, तो वो घर में पूरे नन्हे नन्हे बच्चे पूरे घर में जितने भी नीचे के घर आई भी तो ये भी जो गली है ये भी उसी डीजी हल्ली की है, बेंगलुरु की स्मार्ट सिटी। ये जो है स्मार्ट सिटी है, यहाँ पर जो है फेरारी में, बीएमडब्ल्यू में, मर्सिडीज बेंज में लोग आते हैं, इस वजह से जो है यहाँ पर इग्नोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि बेंज में है, मारुति बेंज है,
पॉश है, फॉर्चुनर है, इसलिए यहाँ पर कोई आता नहीं है। कोई अफसोस की बात यह है, कोई देखता नहीं है। आइए खुद इन लोगों से हम जानेंगे कि क्या हुआ था उस रात, बारिश किस तरह से आया था, कितनी तकलीफें हुई इन लोगों के घरों में, और कितने लोग घूमते रहते हैं, अपने आप को लीडर बोल के एमएलए के इर्द गिर्द फिरते रहते हैं, हर हमेशा जो है अपने एमएलए की कॉर्पोरेटर की तारीफें करते रहते हैं, क्या वो लोग आकर इनकी मदद की या इन्होंने खुद ने अपना बोझ उठाया है? आने के आया सो क्या रहेगा, तो पूरे घर के अंदर गुज्जा को पूरे बीरवा में के दीवाना में के देखो ये सब पूरे खाया, रोज भी तीन रोज से खंगाल को डाल रही सब, जब भी ये नहीं हो रहा, ये कौन भी इधर तो आको आपको फटक को देखो नहीं, एमएलए कहती एमएलए तक भी इधर आको नहीं, अपने राशन ने और बच्चों के स्कूल के ब्याग पूरे भी को फिर लेको बाहर आए निकल को। हम तक आ गया था दीवाल, हम तक देखो पूरा भीग को देखो तो पूरा दीवाल मट्टी निकल गई, ये पूरा चीजा धोको फिर क्लीन कर को पूरा रखो इन सब। कितने की सलाह से ऐसा छोटा नाचन भी आपको पूछते नहीं के? कौन भी आपको पूछते नहीं, कोसे एमएलए क्या अभी कौन भी आपको क्या भी नहीं पूछते, कौन भी आपको क्या भी जरिया कर को नहीं दे रही। लेकिन बहुत से जगह दिखा रहा है एमएलए आ रही है आपको 10,000 रुपए दे रही है, क्या अभी कौन भी एमएलए कृपा भी देखो नहीं, और ना आपको वो फर्स्ट जहाँ पानी नहीं घुसता वहाँ आपको एमएलए कल गए। हाँ। लेकिन यहाँ तो आपको पलट को क्या हुआ, किधर भागो को पीछे को से गली में भी नहीं देखे उन्होंने, जहाँ पानी आया हाँ, नहीं आए जहाँ नहीं आपको है वहाँ आए थे उन्होंने। हाँ। आपको उधर से आदमी बुला लो खून चले गए, लेकिन इधर आपको पलट को भी देखे नहीं करे नहीं, हमें बच्चा बोले लोग को कैसा की थे कितने कितने साल से प्रॉब्लम अभी एक मैंने जब से वो 600 जब से ये 600 मैंने जब से भी कौन भी आपको तुमने कौन भी आपको क्या भी नहीं कर कॉर्पोरेटर उन्होंने कौन भी नहीं छे उन्होंने नहीं छे थे अब चले गए पीछे तुम्हें जाकर देख डाले तो टेस्ट जब क्या करे उन्होंने गेस्ट अब क्या भी नहीं करे अभी नहीं करे सर क्या देखो मैं घर में चीजें कैसा धो धो कर रखो क्या 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 बोलना मैं क्या बोलना चाहती हूँ तुम्हें ऐसे मैं खाली क्या भी नहीं वो छमना पानी नहीं सा पीछे जो भी गड़ा फुल कचरे के वजह से फुल भोरिया भर गई वो क्लीन सब करको गड़ा खोद को दिया तो पानी क्लीन चलेगा तो बस।